एयरपोर्ट अद्दू में हौलनाक ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस ने गदा गाड़ियों पर मजदूरी के लिए जाने वाले 8 अफराध को कुचल दिया। 4 जांबहक, 4 जख्मी, लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुसाफिर बस रावलपिंडी से राजनपुर जा रही थी। हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर फरार हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग और धुंध, हद निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M2 खानकार डोगरा से कोट मोमिन तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर, कराची तीसरे नंबर पर आ गए। शहर कायद में ठंडी हवाओं के डेरे, सोबतपुर में बारिश, सर्दी बढ़ गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कल से बारिशें मुतवक्के हैं। सिलसिला 9 नवंबर तक जारी रहने का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा विदान पटेल कहते हैं किसी उम्मीदवार या जमात की नुमाइंदगी का अंदाज़ा नहीं। यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन पाकिस्तानियों के फ़ायदे के लिए हों। किसी जमात या उम्मीदवार से मुतालिक फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। इलेक्शन की आमद से कबल मुल्की सियासत में गहमा गहमी, तमाम जमातें मुतहरिक। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं को इंतखाबात के लिए भरपूर तैयारी की हिदायत। MQM ने भी कमर कस ली। वफ्द आज लाहौर से साबिक वजीर आजम से मिलेगा। इलेक्शन पर बातचीत की जाएगी। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इतिहाद पर भी गुफ्तगु की जाएगी। आइंदा इलेक्शन में लाहौर से वज़ीर आज़म मुंतखब नहीं होगा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दावा। कहते हैं 8 फरवरी को साबित कर देंगे, पता तीर की होगी। पीपल्स पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार, सवाल उठाया सदर के गैर आइनी इख्तियारात के खिलाफ। नून लीग ने हुकूमत में रहते हुए कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। कराची में लूट मार मामूल बन गई, मुलविस गैंग्स के ताने बाने अफगान से मिलते हैं। बैंक अमला भी वारदातों में मुलविस होता है, पुलिस का इंकशाफ। 25 छोटे गैंग्स गिरफ्तार, लियारी में पुलिस के मुकाबले के बाद 3 जख्मी मुलजमान गिरफ्तार। कोरंगी से बाप बेटी के कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान पकड़े गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।